बॉलीवुड के दबंग खान दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही बड़ी शिद्दत से है निभाते। फिल्मी गलियारों में कहा जाता है कि भाईजान अगर किस पर मेहरबान हो जाए तो उसकी जिंदगी ही बना देते हैं, लेकिन अगर टाइगर को गुस्सा आ जाए तो फिर जल्दी उसे माफ भी नहीं करते। बता दें कि सलमान खान के ऐसे ही गुस्से का ताजा शिकार हुए है सिंगर अरिजीत सिंह। खबरें आ रही है कि सलमान ने सिंगर अरिजीत सिंह को एक बार फिर अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब भाईजान ने किसी पर ऐसे गुस्सा निकाला हो, जबकि इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब भाईजान अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा है कि साल 2014 से अरिजीत सिंह को लेकर शुरू हुआ सलमान खान का गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ। सलमान खान की अपनी फिल्म के गाने के लिए अरिजीत सिंह की जगह किसी और सिंगर को रिप्लेस कर देने का सिलसिला अब भी जारी ही है। एक बार फिर सलमान खान ने एक फिल्म के गाने से अरिजीत सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सलमान खान ने वेलकम टू न्यूयॉर्क के गाने इश्तिहार के लिए अरिजीत सिंह की जगह पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को चुना है। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में सलमान खान बस थोड़ी ही देर के लिए कैमियो रोल में दिखेंगे, जबकि सलमान खान वेलकम टू न्यूयॉर्क के गाने नैन फिसल गए में सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी सलमान खान ने अपनी फिल्म सुल्तान का जग भूमिया गाना अरिजीत सिंह से छीना था, जबकि ये गाना उन्होंने फिर राहत फतेह अली खान को ऑफर किया। इसके बाद टाइगर जिंदा है का गाना दिल दिया गल्ला आतिफ असलम को दे दिया गया। हालांकि सलमान खान की फिल्म के ये गाने सभी हिट हुए थे। बता दें कि सलमान और अरिजीत का ये मामला साल 2000 से शुरू हुआ था। दरअसल एक अवार्ड शो में अरिजीत को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। जब अरिजीत सिंह को अवार्ड के लिए मंच पर बुलाया गया तो सलमान खान ने अरिजीत सिंह को मजाक में पूछा कि सो गए थे, तो अरिजीत ने उनके होस्ट करने के अंदाज को लेकर जवाब में कह डाला कि आप लोगों ने सुला दिया था यार तब से। फिर क्या था, सलमान खान ने बिना किसी तैयारी के जवाब में अरिजीत सिंह को उसी गाने को निशाने पर ले लिया जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा था, जबकि सलमान खान ने अवार्ड और बधाई देने से पहले ही ये तक कह डाला कि इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, जब ऐसे गाने बजते रहेंगे तो इसमें नींद तो आएगी ना यार। बता दें कि सलमान खान सिर्फ अरिजीत सिंह पर ही नाराज नहीं हुए हैं, इंडस्ट्री के ऐसे कई लोग हैं जिन पर सलमान खान का गुस्सा अब भी जारी है। बता दें कि सलमान खान रणबीर कपूर से भी खफा हो गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि रणवीर और कटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये बात भी सब जानते हैं कि कटरीना रणवीर के पहले सलमान खान के साथ रिश्ते में थी, लेकिन कैट की नजदीकियां रणवीर से बढ़ती गई। इसके बाद से ऐसी खबरें आने लगी कि भाईजान रणबीर से नाराज हो गए हैं। बाद में सलमान खान ने करण जौहर के चैट शो में रणबीर कपूर पर सवाल पूछने पर कहा था कि हैव फन। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर को संजू दत्त की बायोपिक में लेने के कारण सलमान खान अपने पुराने दोस्त संजीव बावा से भी कटे कटे रहने लगे हैं। बता दें कि भाईजान सुशांत सिंह राजपूत से भी नाराज हो गए थे। बता दें कि सुशांत से मसला कुछ यूँ था कि एक पार्टी के दौरान सुशांत और सूरज पंचोले के बीच विवाद हो गया था। इस बात की भनक जब सलमान खान को लगी तो उन्होंने सुशांत को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वैसे सलमान खान और शाहरुख खान आज भी भले ही दोस्त थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भाईजान किंग खान से नाराज चल रहे थे। उनके बीच झगड़ा तब हुआ था जब शाहरुख ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी वक्त सलमान और ऐश का ब्रेकअप हो चुका था, तो ऐसे में सलमान खान बार बार ऐश के सेट पर जाकर हंगामा करते थे। सलमान के इस व्यवहार को देखकर जब शाहरुख खान ने बीच बचाव किया तो सलमान खान शाहरुख खान से ही भिड़ गए। बता दें कि हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट फिल्म में भंसाली के साथ काम कर चुके सलमान खान उनसे भी नाराज है। दरअसल सलमान खान भंसाली की फिल्म देवदास में काम करना चाहते थे, लेकिन भंसाली ने उन्हें मौका न देकर शाहरुख खान को कास्ट कर लिया। बस ये बात सलमान खान को रास नहीं आई और वो उनसे अब तक खफा है। इसके बाद सलमान खान ने भंसाली के साथ अपनी दोस्ती को भी खत्म कर दिया। वैसे विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच हुए झगड़े को कौन भुला सकता है। सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप के बाद जब ऐश्वर्या और विवेक की नजदीकियां बढ़ी, बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के ब्रेकअप के बाद ऐश और विवेक ओबरॉय के बीच नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद 1 अप्रैल 2003 को विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान पर आरोप लगाया
कि सलमान ने उन्हें 40 बार फोन किया और उन्हें जान से मार देने की भी धमकी दी। हालांकि अपनी इस हरकत के लिए विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान से माफी भी मांगी, लेकिन दबंग खान का गुस्सा अभी तक बरकरार है। क्या आपके हिसाब से सलमान खान का इन सब पर गुस्सा जायज है कि नहीं, ये आप हमें जरूर बताइए, नीचे कमेंट करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और पिंक वाला हिंदी को सब्सक्राइब करिए।